नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं। आज मैं वीकली व्यू दे रहा हूं ऑन टाइम एंगल। टाइम एंगल का सपोर्ट लेके मैं आपको वीकली व्यू दे रहा हूं, लेकिन डेली चार्ट यूज़ कर रहा हूं। जैसे कि ये एंगल्स को मैं डाल के रखा है, ये एंगल्स को कैसे प्लॉट करना है ये मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। फिर भी अभी भी मुझे क्वेरी आ रही है कि ये एंगल्स कैसे डाले जाते हैं ये, और एंगल्स को ये ट्रेंड लाइन करके ही संबोधित किया जाता है, जो गलत है। ये डाउनवर्ड टाइम एंगल क्या है और अपवर्ड टाइम एंगल क्या है, इसके लिए आप प्लीज़ पीछे के वीडियो आप रेफ़र करेंगे तो आपको पता चलेगा। नए व्यूअर को मैं अब बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ हाउ टू प्लॉट द टाइम एंगल और ट्रेंड लाइन वर्सेस टाइम एंगल, ये दो वीडियो है, और ये दो वीडियो को आप रेफ़र करेंगे तो टाइम एंगल क्या है आपको ये पता चलेगा। अच्छा, ये वीक में जैसे कि मैंने लास्ट वीक में मैंने बोला था कि ये पैनिक सेलिंग होने की आशंका है, और उसके बाद मैंने लगातार हर दिन चेतावनी दी थी कि सेलिंग ही रिकमेंडेड है करके, और उसी हिसाब से सेलिंग कंटिन्यू दिखी अपने को। तो ये वीक में जैसे कि मैंने बोला था कि 42,000 41,800 ये जो है ये लास्ट डबल टॉप था बैंक निफ्टी में 41,850 50। तो उस हिसाब से वो वहाँ तक अभी बैंक निफ्टी आई है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेगी क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये हाई है 41,800 जो रिसेंट हाई हुआ था, वहाँ से अगर आपने अपवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे अपने को तेज़ी मिली, यहाँ से तेज़ी मिली 42,251 से तेज़ी मिलके 44,182 तक या 44,200 तक गई। आपने अगर पीछे के वीडियो रेफर किए तो मैं आपको कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पे मैं तेज़ी का रिकमेंडेशन दे रहा था, और अभी बैंक निफ्टी ने ये जो एंगल है अपवर्ड टाइम एंगल उसके अंदर आई है। तो अभी एक बार गोली छूटी तो वापस नहीं आनी चाहिए। उस हिसाब से अगर हम लोग वो रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको अगर देखना है राइट साइड में आप देख सकते हैं 42,570 का फिगर दिख रहा है या 42,600 का फिगर दिख रहा है। तो 42,600 ये मेजर रेजिस्टेंस जोन बनेगा, या तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे अपवर्ड एंगल डालेंगे, या तो अगर परफेक्ट देखेंगे तो 42,900 का लेवल आता है, लेकिन इतना बड़ा जोन हो जाता है। तो आप देखो 42,600 से लेके 42,750 ये जोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन रहने वाला है फॉर द सेलिंग के पर्पज़ के व्यू से। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आती है तो वो सेलिंग के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा, और अगर यहाँ से डायरेक्ट फिसल गई तो कहाँ पे आएगा, तो 41 वही पॉइंट से जो डाउनवर्ड टाइम एंगल आया हुआ है, वो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। दैट इज़ अराउंड 41,150 और 41,100 का जोन है। अगर वहाँ से भी फिसली तो, क्योंकि कोरोना का जो पीरियड है वो पैनिक का पीरियड है, पैनिक का पीरियड में कुछ भी हो सकता है, तो पैनिक के पीरियड में आपको लेवल्स पता होनी चाहिए। अगर यहाँ से भी अगर फिसली तो 40,500 से लेकर 40,400 तक का एक पॉइंट है, वहाँ पे जाके रुक सकती है। लेकिन अगर वहाँ से फिसली तो हम लोग 39,000 तक की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पहले आपको यही देखना है कि ऊपर की साइड में अगर चांस मिला तो एग्जिट करो, या तो सेलिंग का एंट्री करो, और स्टॉप लॉस 42,900 या तो 42,750 कंफर्टेबल स्टॉप लॉस आप रखो। 42,600 से लेके 42,900 का एक जोन है जहाँ पे आपको निफ्टी ऊपर नीचे करते हुए दिखेगी, बैंक निफ्टी ऊपर नीचे करते हुए दिखेगी। तो आप यहाँ पे अलर्ट रह के काम करना, यही मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मेजर सेल ऑफ आ चुका है और अभी भी कंटिन्यू है। तो कहीं पे भी अगर आपको ऊपर की तरफ
रेजिस्टेंस पॉइंट आप निकाल के रखिए। अगर आप निकाल नहीं पाते हो तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे मैं लाइव आपको असिस्ट करता हूँ। तो लाइव मैं आपको बाय और सेल के रिकमेंडेशन भी देता हूँ, तो आप वहाँ से भी डेली इंट्राडे में कैसे रेजिस्टेंस पॉइंट पे सेल करना है वो आप देख सकते हो। वहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट में आपको क्लियर कट देता हूँ, तो वहाँ पे आप एक्ट करोगे तो आपको अच्छा मौका मिलेगा काम करने के लिए, आपको अच्छा पॉइंट रहेगा। ये हुई बैंक निफ्टी की बात। जैसे कि मैंने ये तीनों जोन आपको देके रखे, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है मेजर रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन। ठीक है, सपोर्ट जोन पे आप थोड़ा बहुत छोटा छोटा बाइंग करो, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस जोन पे आप ध्यान रखो। इसके बाद मैं आपको निफ्टी का बताता हूँ, उसके पहले मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि अगर नए व्यूअर है तो ये मैं आपको वापस एक बार बताता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन नहीं है, तो आप पीछे के वीडियो रेफर करके आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसके बाद मैं निफ्टी का व्यू बताता हूँ। जैसे कि निफ्टी का व्यू जो है, निफ्टी का व्यू में क्लियर कट है, ये पॉइंट से अपवर्ड एंगल जो आया था वहाँ से ये अंदर घुस गया, गोली ऊपर तो गई लेकिन रिटर्न आ गई, तो यहाँ पे ये एग्जिट दे दी। उसके बाद बहुत मेजर सेल ऑफ आया, सेल ऑफ जो आया है अभी वो कहाँ पे रुकेगा, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो ये जोन आता है 17,400 और 17,300 का जोन जो है मेजर सपोर्ट का जोन निकल के आ रहा है एज़ पर टाइम एंगल। ये टाइम एंगल डेली के टाइम एंगल है, मैं आपको रिपीट करता हूँ, डेली के टाइम एंगल है और वो डेली चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ, भले ये वीकली व्यू है, ऐसा नहीं है कि वीकली चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ, तो ये डेली चार्ट है। अच्छा, इसके बाद मेजर रेजिस्टेंस के जोन पे अभी एक्चुअली इसने क्या किया है कि ये जो ये पॉइंट, ये फॉल जब आया था तो उसका मेजर फर्स्ट बाउंस का पॉइंट है, वहाँ से मैंने डाला है, उसके अंदर ये घुसा हुआ है। तो अगर आप इस एंगल को इम्पोर्टेंस देंगे तो आपको एक पता चलेगा कि यहाँ पे ये एंगल भी वैसे ही काम करेगा। अगर ये एंगल के ऊपर जाके अगर निफ्टी सस्टेन हुई तो शायद फिर हम लोग ऊपर की मूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ से डायरेक्ट फिसल गई तो बैंक निफ्टी आपको 17,400 और 300 में मिलेगी, ऊपर की साइड में आपको 18,200 जो है वो रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। तो आपको वही मैं रिपीट करूँगा कि रेजिस्टेंस के जोन पे आप सेलिंग के लिए प्रिपेयर रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ऊपर की साइड में। और आपको लाइव अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको लेवल लाइव मिलते रहेंगी। इसके बाद मैं डाउ जोन्स को भी एक बार आपको रेफर करता हूँ। ये डाउ जोन्स में 4 आवरली का मैंने ये टाइम एंगल डाला हुआ है। लास्ट टाइम जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में मैंने लाइव डाला था कि 33,500 का जोन है, वहाँ पे आने के बाद आपको पोजीशन हल्की करनी है। अब ये आप वीडियो में जाके देख लीजिए कि मैंने ये कहा था, तो आपको वो अगर आपने देखा होगा और वहाँ पे अगर एक्ट किया होगा तो कल का सेलिंग में आप बच गए होंगे। कल का सेलिंग जो मेजर सेलिंग आया था वो आपने देखा कि डाउ जोन्स में ये अच्छा सेलिंग आया, लेकिन वापस एक रिकवरी आई, लेकिन अपने यहाँ पे रिकवरी नहीं है, अपने यहाँ पे सेलिंग ही है, तो वो तकलीफ है। अभी डाउ जोन्स के हिसाब से अगर टाइम एंगल के हिसाब से मैं देखूँ तो 33,700 रेजिस्टेंस जोन है। जब तक 33,700 रेजिस्टेंस जोन नहीं पार करता है तब तक डाउ जोन्स प्रेशर में रहेगा, ये मेरा बात आप लिख के लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि लिख के लीजिए, इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ। और अगर डाउ जोन्स यहाँ से फिसल गया तो आपको 31,400 और 31,000 के आसपास मिलेगा और अपने मार्केट में बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट करेगा। तो अपने को जो जैसे कि मैंने निफ्टी के और बैंक निफ्टी के नीचे के लेवल दिए वो जल्दी दिखने को मिलेंगे अगर डाउ जोन्स ने सपोर्ट नहीं किया तो। और अगर डाउ जोन्स ने सपोर्ट किया तो साइडवेज के लिए अपने को 2-3 दिन मिल सकते हैं कि साइडवेज मोमेंटम हो गई और बाद में फिर एक्सपायरी के दिन या वीकेंड में अपने को एक वापस जोर से मूवमेंट दिख सकती है। तो डाउ जोन्स का ये दो ही पॉइंट है, मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट। तो आप इसको रेफरेंस के लिए यूज़ कीजिए, आपको पक्का इसका फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही,
आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नए व्यूअर है तो प्लीज़ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, जो ट्रेंडलाइन का वीडियो है, हाउ टू प्लॉट ये वीडियो है, उनके लिंक डाल देता हूँ, तो आप जाके वो देखिए तो आपको वो पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।